आज का जो वीडियो है ना, ये बस मतलब आप नजारा देखो, सीन देखो, क्योंकि ये सीन हमें हर किसी जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये वापस आ रहा है सेठी भाई और यही के जगह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते हैं व्लॉग अपना स्टार्ट। तो ये भी आपको पता ही होगा, कल के वीडियो में आप लोगों ने ये भी देखा होगा, मैं पूरा बांडीपोरा घूम के आया। तो मतलब मेरे से हो सका उतना मैंने मतलब बांडीपोरा आप सबको शेयर किया। मतलब जो यहाँ के हैं उनको तो पता ही होगा, जो बाहर के हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको दिखाने की कोशिश की। तो अभी आपको पता ही होगा बांडीपोरा में मतलब बहुत सारे जगह जो है कि फेमस है, मतलब जिन पर बहुत सारे लोग अक्सर घूमने जाते हैं। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक ना एक अच्छी जगह होती है, दो जगह तीन जगह जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे एक जगह है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है सुरेंद्र। आज हमें वहीं पे जाना है। तो अभी मतलब काफ़ी लेट ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, बट बात ये होगी क्योंकि मैं एक ही दिन में अपने दोनों वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मतलब जो कल का वीडियो आप लोगों ने देखा वो भी मतलब आज ही मैंने शूट किया। तो अभी टाइम आ गया दिन के 5, अभी 5 बजे मैं रेडी हो गया, क्योंकि मैंने सोचा फिर टाइम नहीं मिलेगा ना, घर भी जाना है, इसलिए अभी के टाइम में ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर बाकी बंधु से भी मैं आपको मिलाऊंगा, कौन कौन है मेरे साथ। तो यहाँ पे भी देखो मतलब जितना पहाड़ी इलाका, जितना ऊपर ऊपर हम जाते हैं उतना आपको बर्फ़ देखने को मिल जाता है। तो ये रही अपनी गाड़ी और ये अपने भाई देखो, मेहरान भाई, और अपना जिसका शॉप है, जिसके पास कपड़े लिए बार बार सलाम करना है। हाँ, तो भाई साथ में, और ये तो चलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और शेब भाई तो गाड़ी में ही है। शेब भाई, तुझे नींद मत पड़ी? चलो ठीक है, ओके, हम जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि लेट ही अपने व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। यार क्या ही बोले, टाइम नहीं मिला दिन से, तो वहाँ पे सुबह से तो वहाँ पे घूम रहे थे ना, इसलिए ओके। फिलहाल आप नज़ारा देखो वहाँ तक। मैं पिछले साल गया हूँ वहाँ पे, पर तब मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया था उस दिन, इसलिए मुझे वो मतलब याद ही रहा। मैंने सोचा उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ वहाँ जाके, तो आज मैं फिर से जाने की कोशिश करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम निकल गया, तो चलते हैं। फिलहाल वीडियो के साथ बने रहे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिलहाल आप बस बाहर का नज़ारे देखो, बाहर का सीन देखो, अभी भी यहाँ पर बर्फ़ है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में शोपियन में बर्फ़ है ना, वैसे यहाँ पर भी अभी बर्फ़ है। क्योंकि मतलब आप ऐसा समझो, जो भी पहाड़ी इलाका होता है, बलाई इलाका होता है, वहाँ पे काफी लेट तक बर्फ जमा रहता है, और सबसे फर्स्ट में उन जगहों पे बर्फ पड़ जाता है। भाई कितना दूर होगा यहाँ से जहाँ पे हमें जाना है? कम से कम 6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर अभी यहाँ से होगा लास्ट तक। उससे आगे कुछ गांव वगैरह कुछ पड़ता है? कुछ नहीं, बस वो लास्ट है। ट्रैकिंग पे? ओके ओके, मतलब माउंटेन्स है, हिल है, पहाड़ी है। जैसे मैं गया था उस दिन वाटसर लेक ट्रैकिंग पे, वैसे यहाँ के लोग जाते हैं। हाँ मैं वहाँ पे गया हूँ सुरेंद्र, पिछले साल गए पर व्लॉग नहीं बनाया ना तब। आगे बढ़ रहे उतना ही आपको बर्फ देखने को मिल रहा है। आप देखो साइडों में कितना बर्फ जमा है, और रोड भी ना मतलब देखो कैसा है, बिल्कुल टर्न है, आराम से ड्राइव केयरफुली। ओह भाई चले, यहाँ से पूरा जो भी मतलब बांडीपोरा की बस्ती है ना नजर आ रही है, इधर बर्फ है। गाड़ी चढ़ेगी क्या? हाँ थोड़ा बहुत तो स्लिप हो रही है। इतना बहुत मुश्किल है मुझे लग रहा है, क्योंकि साइड से इतना बड़ा नाला है ना, मुझे डर लग रहा है यार, उधर से नजर ही नहीं आता है कुछ। तो इसको बोलो थोड़ा पीछे करो यार, मुझे तो डर लग रहा है, मतलब जगह ही नहीं है यहाँ पे साइड देने। ये रहा उवैस भाई, ये भी अपना व्लॉग शूट कर रहा है, ये वापस आ रहा है सेठी भाई और यहीं के जगह।
सो फाइनली हम पहुंच गए टॉप पे, तो यही रहा सुरेंद्र। इससे आगे अब कोई गांव नहीं है ऐसा मुझे मेहरान भाई ने बोला, मुझे खुद भी पता नहीं है, बोल रहा है इससे आगे अब कोई गांव नहीं है। जब हम जून जुलाई में आए थे तो मतलब तब ना बहुत अच्छा यहां पे नज़ारा होता है देखने लायक, आज तो बर्फ़ में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ, इससे आगे अब रोड ही नहीं है। अब फिलहाल हम यहाँ से गाड़ी मोड़ते हैं तो मतलब जो जगह है ना जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। उतना खास तो नहीं है पर मतलब अभी बर्फ में आपको उतना खास वो नहीं लगेगा। आप सोच रहे होगे कि सेठी भाई कहाँ लेके आया आज, तो बस फिलहाल नज़ारा देखो, बाहर का सीन देख रहा है वो इस साइड में, इसको सीन जो है पर जून जुलाई में बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे। तो अभी हमने गाड़ी साइड कर दी, ये देखो यहाँ पे हमने गाड़ी साइड कर दी, तो जो मतलब जगह है सुरेंद्र जहाँ पे हमें आना था ये रही वो जगह। यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे अभी पार्किंग सिस्टम का बन रहा है और हट वगैरह जो भी मतलब जिस जगह से मतलब पता चल जाता है ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ, यहाँ लोग घूमने के लिए। पर मुझे लग रहा है यहाँ ना मतलब जो यहाँ के लोकल है वो ज़्यादा आते होंगे, तो जो जो यहाँ पे आया होगा जो यहाँ का होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि नहीं सेठी भाई हम भी यहाँ पे आए हैं इससे पहले। तो ये देखो चलो उसी के साथ साथ फोटो वगैरह ले लेंगे। ये मेरी फेवरेट जगह है, अभी आपको मतलब कुछ नहीं लगेगा, आप सोच रहे होगे कि सेठी भाई कहाँ किस जंगल में लेके आया, जंगल नहीं है बहुत ही अच्छा जगह है। अभी बर्फ़ से कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना यार, मतलब बहुत मज़ा आता है जून जुलाई में यहाँ आने का। तो शिव भाई ने भी फेरन निकाला। शिव भाई आप कुछ कहना चाहते हो यूट्यूब फैमिली से? सेठी भाई की चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करो। ओके थैंक यू। शिव भाई बोल रहा है कि सेठी भाई के चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो शिव भाई है ना इसको मैं शिव अख्तर बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको घर में प्यार से हम शिव अख्तर बोलते हैं। इसका नाम शिव है, ये बहुत ही अच्छा है, ये मेहरान भाई का छोटा भाई है, पर इसको अभी ट्रकों के साथ कुछ नहीं करना है, इसको फिलहाल पढ़ाई में ध्यान देना है और माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो उसी के साथ साथ शिव भाई को ना मतलब प्यार हुआ, ये छोड़ता नहीं है, बोलता है सेठी भाई आप इधर ही रुको मेरे ही घर में। तो चलो क्या करें, शिव भाई घर भी जाना पड़ता है, बीच बीच में हम आते रहेंगे। ओके तो शिव भाई ने सुबह नहीं माना, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसने बोला कि मुझे अगर साथ नहीं लिया तो मैं आपको शाम को घर में आने नहीं दूंगा। तो मैंने सोचा फिर कहाँ जाएंगे इधर। ओके फिलहाल बाहर का दिखाते हैं और उसी के साथ साथ अपना जो फोटो वगैरह ले लेंगे, उसके बाद चलते हैं वापस। आज का जो वीडियो है ना ये बस मतलब आप नज़ारा देखो, सीन देखो, क्योंकि ये सीन हमें हर किसी जगह देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए तो कहीं आप बोर मत होना, कहीं आप ये मत सोचना कि सेठी भाई हमें कहाँ लेके आया। मेरी फेवरेट जगह है, बहुत ही अच्छी प्लेस है, तो आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी और जो भी बाहर की ऑडियंस है उन लोगों ने अच्छा एंजॉय किया होगा, घर बैठे अपना कश्मीर घुमा होगा। आपको पता ही होगा इससे पहले भी मैंने आपको एक जगह लेके गया था 3-4 दिन पहले, क्या बोल रहे हैं उस जगह का, यूसमरग, वो मतलब हमारे साइड पड़ता है, ये तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में आता है। और भी जगह है जो कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में काफ़ी फेमस है, जैसे वल्लर विंटेज है, तो और कौन कौन है? ओटवतु। आप मेहरान भाई आप बोलो कौन कौन सी जगह है? वल्लर विंटेज है, ओटवतु है, पीर बाबा है, गुरेज से गुरेज वाला ही आता है। हाँ गुरेज तो आप लोग आए ही होंगे, गुरेज ना बहुत ही अच्छी जगह है, पर अगर टाइम मिला टाइम आया तो फिर इंशाल्लाह वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। तो फिलहाल जितनी कोशिश हो रही है उतना हम कर रहे हैं, जितना मेरे से हो सका तो उतना मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। अभी देखो बर्फ़ भी कितना है यहाँ पे, तो चलो ज़्यादा ना आपको भी बोर करते हैं, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, हम जल्दी से जल्दी अपना फोटोज़ वगैरह ले लेते, रील वगैरह बना लेते, उसके बाद हम चलते हैं वापस अपने घर, क्योंकि सुबह के 12 बजे हम घर से निकले, अभी हम वापस घर नहीं गए, पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा ना कि नेटवर्क भी नहीं आ रहा होगा, बहुत कम आ रहा होगा, क्योंकि इससे आगे अब कोई विलेज ही नहीं है, कोई गांव ही नहीं है, मतलब जो ये गांव है ना लास्ट, इससे आगे आपको जंगल नज़र आ रहा है। तो मतलब लोग गर्मियों के सीज़न में ट्रैकिंग पे जाते हैं, जैसे मैं गया था वाटसर लेक, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बोला है। ओके फिलहाल हम फोटो लेते हैं उसके बाद ही निकलते। कोई गाड़ी नहीं आती है, हमने यहाँ पे साइड कर दी, मतलब कोई कोई गाड़ी आती है, ठीक है। तो अब बस चले घर जल्दी से जल्दी, क्योंकि ठंड बहुत लगी, तो अब बस फोटो 2-3 और लेने, टाइम भी काफ़ी हो गया, उसके बाद घर चलते हैं। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वापस पहुंच गए। तो अभी मतलब कपड़े चेंज कर रहे थे, क्योंकि मतलब यार ठंड बहुत है ना, फेरन वेरन लगाना है अच्छे से। अब कांगड़ी लेना, वो कांगड़ी उधर है, वो नज़र आ रही है, तो देखो
छोटा भाई क्या कर रहा है, मतलब देखो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है, मेरे कपड़ों को फोल्ड कर रहा है। मैं कल चला जाऊंगा तो तू क्या करेगा? नहीं तू नहीं जाएगा, आपको यही बैठना है। तू बोला ऐसे, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा, आपको जाना ही नहीं है तो ठीक है। तो भाई अभी फोल्ड कर रहा है, प्यार कर रहा है यार, ये नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है इधर बैठो। तो उसी के साथ साथ अब हम इस प्यारे से व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, बाय, गुड नाइट।